उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खेती किसानी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने इस दौरान एक स्कूल का किस्सा भी सुनाया जब उन्हें एक बच्चे ने राहुल गांधी बता दिया था। सपा अध्यक्ष ने जब यह वाक्य बताया तो सदन में खूब ठहाके लगाए, खुद मुख्यमंत्री योगी भी हंसने लगे। यूपी सबसे नीचे राज्यों में चौथे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हां मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया।